हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आज मैं आपके लिए लाई हूं हैंगिंग बास्केट्स। और इसमें जो प्लांट है उसको बुरुस टेल या फिर डोंकी टेल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीजन प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत होता है और आप अपनी इसको हैंगिंग बास्केट्स में या पॉट्स में लगा सकते हैं। तो इसकी जो लंबी लंबी टेल्स आप देख रहे हैं, तो ये मेरा 4-5 साल पुराना पौधा है और मेरे इनको काफ़ी हैवी हो जाती हैं दोस्तों ये बास्केट्स। तो आप जब इनके पॉट्स चूज़ करें तो मेरा सजेशन है कि आप थोड़े हैवी लें, जिससे कि मतलब उसका जो ये हमारे जो ये सीजम्स हैं इनका बोझ छोड़ ले सके, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती हैं बास्केट्स जब ये बढ़ते रहते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो आप मजबूत सा कुछ पॉट लें इसके लिए। और दूसरी बात, मैं इसकी सॉइल की करूँ तो इसमें आप गोबर की खाद अगर लेंगे या फिर कंपोस्ट खाद, दोनों में से कोई सी भी, और गार्डन सॉइल और सैंड बजरी जो होती है उस तीनों का मिक्सचर बना के आप दीजिए इनको। और इसको ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं चाहिए, तो खाद आप ज़्यादा ना दीजिए, कम ही दीजिए। मतलब आप जैसे 2-3 महीने में एक बार मुट्ठी एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, बस इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी इसके अगर हम पानी की बात करें तो इसमें ये फ्लैश लीव्स आप देख रहे होंगे, तो ये सब पानी अपने अंदर स्टोर रखता है, सेक्यूलेंट्स जो भी होते हैं। तो आप जब आप इसमें पानी दें तो हफ्ते में, जैसे सर्दियाँ हैं तो एक बार, या फिर गर्मियाँ आ गई हैं तो 2 बार दे सकते हैं पानी। तो ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, पर हाँ ये है कि आप थोड़ा सा इससे फिंगर चेक या एक बार जब आप लगाएंगे शुरू में, नए नए अगर हैं तब आपको इसका समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और इसको आपकी। तो इसी तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं कि आपके प्लांट को कब पौधे को कब पानी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये देखिए इस वक्त फ्लावरिंग टाइम है, कितने सुंदर सुंदर इसमें भी सैक्यूलेंट्स पे भी फ्लावर्स आते हैं। तो मैं आपको बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ इस तरह से छोटे छोटे इसमें फूल खिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। तो दोस्तों देखो कितनी लंबी लंबी मेरी ये जो बास्केट्स हैं और ये काफ़ी हैवी हो चुकी हैं। और मैंने ये देखिए ये वाली कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसकी सैंड की और पानी की जो जैसे बात कर ली, अब मैं आपको इसकी जो लाइट एंड लोकेशन की बात करूं तो इसको दोस्तों पार्शली धूप चाहिए, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। जैसे सुबह मॉर्निंग की इसमें 2-3 घंटे की धूप लग जाए, और उसके बाद ऐसी जगह रखिए आप इसको, जैसे मैंने ये पेड़ की शेड में इसको टांगा हुआ है और इतने डायरेक्ट इसमें सनलाइट नहीं पड़ती। तो आप जहाँ पर भी इसको लगाएं तो ऐसा देखें कि इसको पार्शली धूप मिले, ज़्यादा तेज़ सनलाइट ना मिले, नहीं तो ये ख़राब होकर सूख कर गिरने लग जाते हैं और इनका रंग पीला पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये जब आप लगाएंगे तो लाइट की मैंने बात करी और कैसे इसको प्रोपगेशन कैसे करते हैं इसका, तो मैं दिखाती हूँ। छोटे छोटे आपको नए नए पब्स दिख रहे होंगे इसमें, ये देखिए साइड में, तो बस इनको यहीं से कट कर लीजिए आप और नए आप अपने जो पॉट्स हैं उन्हें बना सकते हैं। और ये देखिए, और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी जो ये बास्केट है इतनी हैवी हो जाती है, कई बार टांगने में या फिर इसको थोड़ा सा पानी वानी देने में इसकी जो स्टेम्स हैं वो कई बार नीचे गिर जाती हैं। तो आप उससे भी नए पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा मिट्टी में डाल दीजिए, आपके 3-4 हफ्ते में ही उसमें नई रूट्स आ जाती हैं और आप नए नए पौधे अपने रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़े से अपने वो भी दिखाती हूँ, जो मैंने मेरी जो स्टैम्प्स इन बास्केट से गिर गई थी। कई बार चिड़िया वगैरह या कुछ काट देती है, तो आप निराश ना होइए कि आपका पौधा ख़राब हो गया, तो आप उससे नए पौधे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक मंकी रखा हुआ है और ये देखिए ये एक गमला है। तो इस गमले में मैंने जो मेरे गिर जाते हैं उनको मैं थोड़ा सा मिट्टी में दबा देती हूँ, तो नई नई रूट्स बन जाती हैं। देखिए फ्लावर्स भी खिल गए हैं लगे लगे। और दोस्तों ये देखिए, ये एक छोटी सी स्टैम्प मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अभी रूट नहीं बनी है और सिर्फ मैंने इसको ऐसे टांगा था। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।